देखिए इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य के वो 15 सूत्र बताऊंगा जिनमें उन्होंने ये बताया है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ना केवल हमारा धन और हमारी संपत्ति बढ़े बल्कि लगातार बढ़ती ही चली जाए। सबसे पहला सूत्र है अधनस्य बुद्धिर्न विद्यते, यानी वो इंसान जिसके पास पैसा नहीं है या कि फिर वो जिसके पास पैसे की कमी बनी ही रहती है, उस इंसान का पूरा दिमाग पैसे के बारे में और केवल पैसे के बारे में सोचने में ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर पाता। अब देखिए, काम असल में उसे कहते हैं जिसे करने से पैसा आता है, और दो कामों के बीच का जो समय होता है उसे जिंदगी कहते हैं। पर वो इंसान जिसके पास पैसा नहीं होता, वो इस बीच के समय में भी काम के बारे में ही सोचता रहता है। अब देखिए, इसके बाद के जो 7 सूत्र हैं उनमें आचार्य चाणक्य ने यह समझाया है कि पैसा होने से क्या फायदे होते हैं और नहीं होने से क्या नुकसान होते हैं, जिसमें से दूसरा सूत्र ये है हितमप्य धनस्य वाक्यम न श्रुणोति, यानी वो इंसान जिसके पास पैसे नहीं है वो चाहे कितनी भी काम की और चाहे कितनी भी ज्ञान की बात क्यों ना कह दे, कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। और देखिए, जो ध्यान नहीं देते तो ये कुछ गलत नहीं करते भाई। अगर आप इतनी ही ज्ञान की और काम की बातें जानते हो तो आप अपने ज्ञान से सबसे पहले अपने आप को फायदा पहुंचाइए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपका ज्ञान जो है वो खोखला है, किसी काम का नहीं। तीसरा सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं अधनः स्वभार्यया प्यवमन्यते। अब देखिए, भार्या शब्द का एक मतलब तो होता है पत्नी, पर भार्या शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसे देखने भालने का और पालने पोसने का भार हमारे ऊपर होता है। यानी वो इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते या कि फिर जिसके पास पैसों की कमी बनी ही रहती है, तो वो लोग भी जो उसके ऊपर आश्रित होते हैं यानी डिपेंडेंट होते हैं, वो लोग तक उसको कदम कदम पर नीचा दिखाते ही रहते हैं। चौथा सूत्र, और ये और भी ज़्यादा जहर है, पुष्पहीनम सहकारमपि नोपासते भ्रमराह। यानी वो इंसान जिसके पास पैसा नहीं होता तो वो लोग भी जो उसके आस पास भंवरे की तरह मंडराया करते थे, वो लोग तक उसे छोड़कर चले जाते हैं। पांचवा सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं अर्थवान सर्वलोकस्य बहुमतः। यानी वो इंसान जिसके पास पैसा है और कूट कर पैसा है, वो चाहे जहां चला जाए लोग उसकी इज्जत ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भले ही चाहे आप देवताओं के राजा इंद्र के समान, यानी जिसमें एक से बढ़कर एक क्वालिटी कूट कूट कर भरी हुई क्यों ना हो, आपकी कोई इज्जत नहीं होती। और ये बात आचार्य चाणक्य ने 6 सूत्र में कही है, महेंद्रमप्य अर्थहीनम न बहु मन्यते लोकः। 7 सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य ने कहा है दारिद्र्यम च खलु पुरुषस्य जीवितम मरणम। यानी वो इंसान जिसके पास पैसा नहीं है वो जिंदा होने के बाद भी मरे हुए के समान है। 8 सूत्र, विरूपो अर्थवान स्वरूपः। यानी वो इंसान जिसके पास कूट कर पैसा हो, वो चाहे कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, वो खूबसूरत ही माना जाता है। और वो इंसान जिसके पास पैसा हो, वो खानदानी नहीं भी हो, तो भी बड़े बड़े खानदानियों से बड़ा खानदानी माना जाता है। जो है 9 सूत्र, अकुलीनो अपि धनवान कुलीना द्विशिष्टः। अब चलिए इन 8 सूत्रों को जरा सा एग्जाम्पल से समझ कर भी देख लीजिए। देखिए, काफी सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, पर पैसे से वक्त नहीं खरीदा जा सकता और मोहब्बत नहीं हासिल की जा सकती। भाई साहब, पैसे से वक्त ही खरीदा जाता है और सच्ची मोहब्बत हासिल की जाती है, दोनों को समझिए। देखिए, मुझसे और मेरे परिवार से रिलेटेड जितने भी ऐसे काम हैं जिन्हें मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, यानी ऐसे काम जिन्हें मैं किसी दूसरे से करवा सकता हूँ, मैं उन सभी कामों को डेलीगेट कर देता हूँ, और मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल उन्हीं कामों को करने में लगाता हूँ जिन कामों को वाकई में केवल मुझे ही करना चाहिए। अब आ जाइए मोहब्बत पर, और देखिए कितने ही सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिल जाती है पर वो शादी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। भाई, आप जब एग्जाम में जाते हो
तो आप पूरी तैयारी कर कर जाते हो कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो ये लिखूंगा और वो पूछा जाएगा तो वो लिखूंगा। आप एग्जाम में केवल पेंसिल में नोक बनाकर थोड़ी जा सकते हो। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि लड़की आपसे चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना करती हो, लड़की का हाथ कभी भी लड़की से नहीं मांगा जाता, लड़की का हाथ हमेशा उसके बाप से मांगा जाता है। और देखिए, इसीलिए जब आप अपनी सच्ची मोहब्बत को हासिल करने के लिए जाओ तो पूरी तैयारी के साथ जाओ, यानी पैसे कमाकर और करियर बनाकर। और 99.99% केसेस में आपको सच्ची मोहब्बत मिल जाएगी। नवा सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, अमर वदर्थ जात मार्जयेत, यानी आपका पूरा का पूरा फोकस केवल और केवल पैसा कमाने पर होना चाहिए। और जब आप पैसा कमाओ तो आप हमेशा ये मानकर चलो कि आप कभी खत्म ही नहीं होगे। अब सवाल उठता है कि भाई इतना क्या पैसे का लालच करना, पर देखिए आचार्य चाणक्य जो हैं ये अपने अर्थशास्त्र की वजह से जाने जाते हैं, जिसमें एक श्लोक है, अजरा मर्वत प्राज्ञो विद्याम अर्थे च चिंतयेत, गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। यानी पैसा और विद्या, ये दोनों चीजें इस तरह से कमाना चाहिए मानो आप कभी खत्म ही नहीं होंगे, पर अपने धर्म का पालन इस तरह से करना चाहिए मानो मौत ने आपके बाल पकड़ के रखे हुए हैं। अब चलिए इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, धर्म का पालन आप केवल तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा, और पैसा आपके पास तभी होगा जब आपके पास किसी ना किसी तरह की विद्या होगी। और इस बात को आचार्य चाणक्य ने अपने 10वें सूत्र में कहा है, जो है विद्या धनम धनानाम, यानी विद्या जो है ये संपत्तियों की संपत्ति है। यानी एक इंसान जिसे कोई विद्या आती है और बहुत अच्छी तरह से आती है, वो जहां पर जाकर खड़ा हो जाएगा वहां पर पैसों के ढेर लग जाएंगे। अब देखिए, यही एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि पहले 9 सूत्रों में तो आचार्य चाणक्य ने यह बताया कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता, और 10वें सूत्र में उन्होंने ये बताया कि बिना विद्या के पैसा हो ही नहीं सकता। अब आ जाइए 11वें सूत्र पर, और यहां से आखिरी सूत्र तक आचार्य चाणक्य ने यह समझाया है कि विद्या को कैसे बढ़ाते हैं और उस विद्या को कैसे बढ़ाते हैं जिससे पैसा बढ़ता है। सूत्र है, अर्थ संपत प्रकृति संपदम करोति। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इस सूत्र को समझाऊं, आप सबसे पहले संपत्ति का मतलब समझिए। संपत्ति से मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे शरीर से या दिमाग से मेहनत कर या तो आपने कमाया हो या कि फिर आपके बाप दादों ने कमाया हो। साथ ही साथ वो लोग भी जो हमारी किसी भी तरह से मदद करते हैं या कर सकते हैं, उन्हें भी संपत्ति ही माना गया है। इसके अलावा समय को भी संपत्ति ही माना गया है, और विद्या जो है ये संपत्तियों की संपत्ति है। और इसी से इस सूत्र का अर्थ ये हुआ कि किसी भी तरह की संपत्ति को अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो संपत्ति ना केवल अपने आप को बढ़ाती है बल्कि इंसान को भी आगे बढ़ाती है। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य ने कहा है, प्रकृति संपदा हिनायकम अपि राज्यम नियते। और इस सूत्र का अर्थ है कि अगर संपत्ति को सही तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए तो भले ही चाहे आदमी खत्म हो जाए, संपत्ति फिर भी बढ़ती ही रहती है और बढ़ती ही चली जाती है। अब चलिए इन दोनों सूत्रों को जरा सा एग्जाम्पल से समझ कर भी देख लीजिए। देखिए, अगर आप अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करना चाहिए कि आपको कोई ऐसा काम पकड़ना चाहिए जिसे हर कोई नहीं कर सकता हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई ऐसा काम है जिसे हर कोई कर सकता है तो फिर उस काम को हर कोई ही कर लेगा, और उस काम में ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको उस काम को ज्यादा घंटों तक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको ये देखना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें जैसे जैसे नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाए, वैसे वैसे उसके अंदर पैसे तो बढ़ते चले जाएं, पर आपको उसके अंदर कम समय लगाना पड़े। और देखिए, इसीलिए अगर आपको नौकरी और बिजनेस में से किसी एक चीज को चुनना हो तो आपको चुनना तो हमेशा बिजनेस ही चाहिए, पर अपनी शुरुआत हमेशा नौकरी करने से करना चाहिए। और देखिए, इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि नौकरी में जब नियत समय आता है पैसा तभी बढ़ता है, पर बिजनेस के साथ ऐसा नहीं है। या तो बहुत ज्यादा फायदा भी मिल सकता है या कि फिर बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान नहीं हो
इससे बचने का सबसे सही तरीका ये रहता है कि आप जो बिजनेस भी करना चाहते हो, आप सबसे पहले उस आदमी के यहाँ जाकर नौकरी करो जो उस बिजनेस को कर रहा हो और सक्सेसफुली कर रहा हो। अब देखिए, सक्सेसफुल बंदे के यहाँ नौकरी करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप उसके यहाँ नौकरी करते हो तो वो सक्सेसफुल बंदा खुद या कि फिर उसका टॉप मैनेजमेंट आपको बिठा कर सिखाता है कि इस तरह के बिजनेस को किस तरह से करना चाहिए। इसके बाद जब आपको उस कंपनी में दो प्रमोशंस मिल जाएं, तो उस दिन आप इस बात को समझ लेना कि अब आप अपना खुद का बिजनेस करने के लिए तैयार हो चुके हो। इस चीज को भी समझिए कि 90% स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस के बेसिक्स तो मालूम होते हैं पर उन लोगों को उन बेसिक्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती। भाई, शरीर से इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दिमाग पचाने के बाद, 50 लोगों की मदद लेने के बाद और इतना सारा समय लगाने के बाद, जब आपको ये बात पहले से ही मालूम है कि 90% केसेस में अनुभवहीन व्यक्ति बिजनेस को नहीं चला पाता, तो आप क्या बिजनेस ये कहने के लिए कर रहे हो कि मैं कभी भी हारता नहीं हूं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि जिसके मामा भगवान श्री कृष्ण जैसे सुदर्शन चक्रधारी और जिसके पिता महाराज अर्जुन जैसे विश्व के महानतम धनुर्धारी, वो अभिमन्यु भी जब आधी अधूरी नॉलेज के साथ चक्रव्यूह में घुसा तो कोई उसको बचा नहीं पाया। देखिए, बिजनेस एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको एक से बढ़कर एक पराक्रमी और एक से बढ़कर एक महारथी कॉम्पिटिटर मिलते चले जाएंगे और उन सभी में एक चीज कॉमन होगी, वो सभी लोग आपके बिजनेस को खत्म करना चाहते होंगे। और इसीलिए अगर आप बिजनेस के चक्रव्यूह में घुसना चाहते हो तो आप सबसे पहले चक्रव्यूह को भेदना सीखो और उसके बाद उसमें घुसो। और जब तक आप उसको भेदना नहीं सीख लेते, तब तक आप चुपचाप नौकरी करते रहो। अब आ जाइए दूसरी वजह पर और देखिए, बिजनेस करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके बच्चों को शुरू से शुरुआत नहीं करना पड़ती। अगला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रकृति कोपः सर्व कोपेभ्यो गरीयान। और देखिए, आप इसके भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिए कि जितनी भी तरह की संपत्तियां बताई गई हैं, अगर उनका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तब तो वो फायदा देती हैं, पर अगर उनका गलत तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वही संपत्तियां आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। आखिरी सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, संपाद्यात्मान मन विच्छेद सहायवान। यानी हर इंसान का ये फर्ज है कि वो बेहतर से बेहतर लोगों की संगत करे और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश लगातार करता ही रहे। देखिए, आपके पास मोबाइल है, अब अगर आप अपने मोबाइल का और अपने समय का सही तरह से इस्तेमाल करें तो आप अपनी नॉलेज और अपना पैसा इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि जिसकी कोई था ही नहीं होगी। और नहीं तो बनाने वालों ने वक्त बर्बाद करने के लिए फिर बहुत सारे गेम्स भी बना रखे हैं और बहुत सारे वीडियोस भी। यानी आचार्य चाणक्य की धन नीति जो है, इसका सार ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी संपत्ति लगातार बढ़े और बढ़ती ही चली जाए, तो जो कुछ भी आपके पास इस वक्त है, आप उसका इस्तेमाल सही तरह से और सोच समझ कर करते रहिए और आपकी संपत्ति समय के साथ साथ बढ़ती रहेगी, बढ़ती ही चली जाएगी। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।